झारखंड के कद्दावर नेता रहे रमेश सिंह मुंडा के हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी राजा पीटर को झारखंड हाईकोर्ट की ओर से बीते दिनों जमानत प्रदान कर दी गई। राजा पीटर 6 सालों से सलाखों के पीछे कैद थे, अब जाकर उन्हें जमानत प्रदान की गई है। इससे पहले उनकी ओर से केस लड़ रहे अभिषेक कुमार ने कोर्ट को बताया कि वह पिछले 6 सालों से सलाखों के पीछे कैद थे। इस मामले में गवाहों की संख्या भी बहुत अधिक है, ऐसे में उन्हें जमानत प्रदान कर देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी जो इस मामले की जांच कर रही है, NIA की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में राजा पीटर की संलिप्तता बहुत अहम है, वह इस मामले में साजिश करता है, ऐसे में उन्हें किसी भी तरह की कोई राहत प्रदान नहीं की जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट इस फैसले पर आई कि राजा पीटर को जमानत प्रदान कर देनी चाहिए। अब क्या है ये पूरा मामला और कौन है राजा पीटर? ये मामला दरअसल 9 जुलाई साल 2008 का है। तब के कद्दावर नेता और तत्कालीन तमाड़ विधायक रमेश सिंह मुंडा रांची के बुंडो स्थित एक स्कूल में कार्यक्रम में शिरकत करने गए हुए थे। जब वह स्टेज पर चढ़े और छात्रों को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान गोलियों की आवाज पूरे स्कूल परिसर में गूंजने लगी। पता चला कि नक्सली हमला हुआ है। ये हमला रमेश सिंह मुंडा के ऊपर कराया गया था, जिसमें उनके साथ साथ 3 अन्य लोग भी मौत की चपेट में आ गए। इसके बाद इस मामले की जांच की जिम्मेवारी NIA को सौंपी गई। फिर आता है 27 मई साल 2017, जब करीब 9 सालों के बाद इस मामले का खुलासा होता है। कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन ने झारखंड पुलिस के समक्ष सरेंडर किया था। जब NIA की ओर से उनसे पूछताछ की गई, तब पता चला कि इस मामले में राजा पीटर का बड़ा हाथ है। वही राजा पीटर जिन्होंने रमेश सिंह मुंडा की हत्या के बाद तमाड़ विधानसभा से बड़ी जीत हासिल की थी, वही राजा पीटर जिन्होंने इस चुनाव में शिबू सोरेन तक को शिकस्त दिया था। मगर कौन है ये राजा पीटर? राजा पीटर का असली नाम गोपाल कृष्ण पात्र है। ये पात्र जनजाति से आते हैं और तमाड़ के रहने वाले हैं। इनकी फैमिली का बैकग्राउंड भी राजनीतिक ही रहा है, मगर अपनी फैमिली के बैकग्राउंड से हट के इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और जमशेदपुर के टिस्को कंपनी में कई सालों तक काम किया। मगर इसी बीच उनकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, जब वह नौकरी छोड़कर पत्नी की हत्या का बदला लेने के लिए कानून को अपने हाथ में लेने लगते। इसके लिए उन्हें 12 साल की जेल की सजा भी सुनाई जाती है। जेल में रहने के दौरान उनका हृदय परिवर्तन होता है, उनके अंदर जनसेवा की भावना जागृत होती है। इसके बाद जब साल 2000 में उन्हें जेल से रिहा किया जाता है, तब वह जनता की सेवा में पूरी तरह से लग जाते हैं। तमाड़ में रहने के दौरान वह गरीबों के मसीहा बनते हैं, वह गरीबों का आर्थिक रूप से मदद करते हैं, इसके साथ साथ अनाथ लड़कियों की शादी भी कराते हैं, मरीजों का उपचार कराते हैं, जरूरतमंद लोगों को रोजगार दिलाते हैं, जैसे कई ऐसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। इसके साथ ही वह गरीबों के बीच रॉबिन हुड के नाम से पहचाने जाने लगे। इसके बाद आगे चलकर उन्होंने तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर पर चुनाव भी लड़ा, मगर वह इस चुनाव में जदयू विधायक रमेश सिंह मुंडा से हार गए, वह दूसरे नंबर पर रहे। मगर आगे चलकर जब रमेश सिंह मुंडा की हत्या हो गई और तमाड़ में उपचुनाव कराए गए, तब वह इस चुनाव में जीत हासिल करते हैं। वह अपने राजनीतिक करियर के दौरान उत्पाद मंत्री के पद पर भी रहते हैं, मगर आखिरकार 9 सालों के बाद साल 2017 में उनकी साजिश का खुलासा होता है। ये खुलासा वही कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन करते हैं, वही कुंदन पाहन जिसे राजा पीटर ने रमेश सिंह मुंडा की हत्या करने के लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। 3 करोड़ रुपए हत्या करने से पहले और हत्या करने के बाद 2 करोड़ रुपए उनके हाथ में थमाए गए। हत्या का कारण राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बताया जाता है और इस तरह से
अक्टूबर साल 2017 में राजा पीटर को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। ये था पूरा मामला और ये थी राजा पीटर की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।